गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम हरीश, यूर मैथ्स टीचर। टूडे वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6। ओके, तो आज हम चैप्टर 6 की एक्सरसाइज करेंगे। जो इसके मेन कॉन्सेप्ट थे वो हमने पहले वीडियो में कर चुके हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ओके, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जो कि डायग्राम बना रखा है। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, जो ये क्यू आर है, ठीक है, जो क्यू आर है इसका मिड पॉइंट है डी। मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है कि क्यू डी और डी आर इक्वल है। मिड पॉइंट पोल दिया तो मतलब क्या है, क्यू डी इक्वल टू डी आर, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। ओके, तो पी एम एक लाइन सेगमेंट है, वो क्या है, पी एम, ठीक है, वर्टेक्स के अपोजिट साइड के ऊपर अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एल्टीट्यूड। पी एम इज एल्टीट्यूड। पी एम क्या होगा हमारे पास, एल्टीट्यूड। ओके, एल्टीट्यूड क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट जो वर्टेक्स के अपोजिट साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना दे, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे पास, एल्टीट्यूड। ओके, अब पूछा है फिर नेक्स्ट है पी डी इज डैश। पी डी क्या है, पी डी, डी क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट, वर्टेक्स के अपोजिट मिड पॉइंट के ऊपर, किसी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के ऊपर ज्वाइन हो तो वो क्या होती है, मीडियन। तो PD क्या है, मीडियन। ओके, अब कह रहा है इज QM इक्वल टू MR। QM जो है, QM ये इतना है, QM क्या ये MR के इक्वल है, QM MR के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारे पास M इज नॉट ए मिड पॉइंट। M हमारे पास मिड पॉइंट नहीं है, तो हमारे पास क्यू एम एम आर के इक्वल नहीं है। डी हमारे पास मिड पॉइंट है, तो हमारे पास क्यू डी और डी आर इक्वल है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ड्रा रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए हमें क्या करना है, रफ स्केच ड्रॉ करना है। ए क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, बी ई इज ए मीडियन। ए बी सी एक ट्राइंगल बनाई, ए बी सी, ठीक है, बी ई इज ए मीडियन। बी ई, बी से गया एक पॉइंट और ई के, ई क्या है, मिड पॉइंट, तो ये क्या हो गई हमारे पास, ये देखो ये वन वन का क्या मतलब होता है कि ए ई, जो ए ई है ये यहां से यहां तक, और ई सी ये इक्वल है, ए ई और ई सी इक्वल है, ये वन का इक्वल है कि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ई जो है मीडियन, जो बी से बी ई क्या है, मीडियन, और जो मीडियन कब होगा, ये मिड पॉइंट पे होगा, ए सी के मिड पॉइंट, ए सी के अंदर मिड पॉइंट क्या है, ई, तो ये क्या होगा, ए ई, जो ए ई और ई सी इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे पास हमने क्या ड्रॉ कर दी, बी ई मीडियन, जो कि हमारे पास ए था। अब बी में क्या कहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। एल्टीट्यूड्स ऑफ द टू, दो एल्टीट्यूड किस में होते हैं हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसके अंदर ही सिर्फ दो एल्टीट्यूड होते हैं। ओके, एक एल्टीट्यूड तो क्या हो गया हमारे पास, देखो पी क्यू और आर, एक तो हो गया हमारे पास 90 डिग्री का पी क्यू और एक हो गया पी आर। ओके, ये हमारे पास रफ स्केच ड्रॉ कर दिया हमने। अब सी में क्या कह रहा है, देखो ठीक है, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, वाई एल इज इन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल। वाई एल, कोई भी जैसे हमने एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल बना ली, ठीक है, एक ट्राइंगल बना ली हमने एक्स वाई और जेड, एक ट्राइंगल बना ली इस टाइप से। वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर, ये एक ट्राइंगल है, एक्सटीरियर क्या होगी, यहां से इसके ट्राइंगल के बाहर एक, ठीक है, ये वाई एल एक एल्टीट्यूड, जो यहाँ पे L नाम रख दिया मैंने इसका, और क्या हो गया, YL एल्टीट्यूड हो गया आउटसाइड
जो कि एक्सटीरियर हो गया ट्राइंगल के, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, थर्ड क्या कह रहा है, वेरीफाई बाई ड्राइंग ए डायग्राम इफ मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल कैन बी सेम, आइसोसेलिस ट्राइंगल सेम होंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि हमने एक लाइन सेगमेंट ली, सबसे पहले कोई भी ए बी, ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट ली, और हमने कोई भी एक मिड पॉइंट लिया इसका सी, ठीक है, मिड पॉइंट सी लिया, मिड पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसका नाम रख दिया कि डी, डी सी इज ए परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी के ऊपर, ओके। फिर हमने क्या किया कि इनको ज्वाइन करवा दिया, डी को ए से, डी को ही बी से, तो हमारे पास डी ए और डी बी ज्वाइन कर दिया, ओके। तो हमारे पास मिड पॉइंट से ये ज्वाइन हुई है, तो ये वाली दोनों इक्वल होगी, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ये दोनों 90 डिग्री के हो गए, और ये मिड पॉइंट था, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गई, ए डी इक्वल टू डी बी, दो साइड इक्वल है, ठीक है, ये क्या हो गई आइसोसेलिस ट्राइंगल, ठीक है। अब हमने क्या कहना है कि मीडियन एंड एल्टीट्यूड सेम, ए जो सी डी है, जो डी सी है, या सी डी कह ले डी सी, ठीक है, ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री पे है, ठीक है, तो ये क्या है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड है, और जो सी क्या है मिड पॉइंट पे है ए बी के, तो हमारे पास डी सी इज, और ये क्या है मीडियन भी है, ठीक है, क्या हो गया हमारे पास डी सी मीडियन भी है, एल्टीट्यूड भी है, और ये ट्राइंगल आइसोसेलिस भी है, ठीक है, आइसोसेलिस ट्राइंगल है। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे, ठीक है, उसका मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमने उस परपेंडिकुलर से उसके जो वर्टेक्स थे उससे ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद हमने क्या देखा कि ये वाला और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। देखो अब ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो चुका है, ओके। अब देखो अगर ये वन वन लिख दें तो मतलब क्या है कि ये वाली साइड, जो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, अगर ये टू टू दोनों की तरफ टू टू लगा रखा हो तो मतलब कि ये दोनों, ये टू मतलब ये टू, ये दोनों इक्वल हैं। अगर यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पर एक एंगल है, तो मतलब कि ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे टू है, यहाँ पे भी टू है, तो मतलब ये दोनों इक्वल हैं। ये वाला सिंबल होता है 90 डिग्री का, ओके। अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। जो डायग्राम्स हैं हमारे पास, इनके अंदर हमें जो अननोन वैल्यू है एक्स की, जो एक्सटीरियर एंगल है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारे पास x, तो हमने x लिख लिया, ठीक है, और इंटीरियर अपोजिट क्या है 70 और 50, ठीक है, हमने ये ऐड किया, वो हमारे पास 120 आ गया, तो हमारे पास x की वैल्यू हमें पता लग गई, ओके। इसी टाइप से अब हम नेक्स्ट में, हमारे पास क्या होता है कि प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, अपोजिट ठीक है।
तो एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारे पास, ये एक्स एक्सटीरियर एंगल है, ट्राइंगल से बाहर वाला एंगल जो है वो एक्सटीरियर हो गया, और अंदर अपोजिट इसके अपोजिट क्या है, ये वाला तो इसका एडजेसेंट एंगल हो गया, और इसके अपोजिट क्या है 65 और 45, तो 65 प्लस 45 डिग्री को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इन तो हमने क्या किया, 65 और 45 को ऐड किया, तो हमारे पास आ गया 110 डिग्री। ओके, तो एक्स यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ पे भी वही एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा, इन दोनों के सम के 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो हमारे पास क्या आ गया 70 डिग्री। ओके, जो सम छोड़ दिए हैं मैंने क्वेश्चन नंबर वन में वो अपने आप ट्राई करना, बहुत ईजी है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर टू देखो, क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। पहले हमने क्या फाइंड आउट किया है क्वेश्चन नंबर वन में, क्वेश्चन नंबर वन में फाइंड आउट किया है एक्सटीरियर, क्या किया है एक्सटीरियर, अब क्या करेंगे इंटीरियर। ओके, इंटीरियर एंगल, तो हमारे पास वो थी प्रॉपर्टी की एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल क्या है 115 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट 50 डिग्री प्लस एक्स, तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 150 माइनस में 50 डिग्री, क्या हो गया ये ट्रांसपोज होके इधर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 50 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब हमने ये लिख दिया, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 65 डिग्री। अब यहां पे देखो एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारे पास 100, इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है x प्लस 70 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल 100 डिग्री, तो x क्या आ जाएगा ये ट्रांसपोज होके इधर चला जाएगा, तो माइनस के 70 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस के 70 डिग्री, तो x क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे 125, अब ये क्या है, ये होता है हमारे पास, ये सिंबल होता है 90 डिग्री राइट एंगल का। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो हमने x प्लस 90 डिग्री इन दोनों का सम अंदर के एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो 125 के इक्वल लगा दिया। अब x इक्वल टू 125 डिग्री माइनस में 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35 डिग्री। ओके, क्या जाएगा हमारे पास 35 डिग्री, x आ गया हमारे पास 35 डिग्री। ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू के कुछ सम्स, और बाकी जो बच गए हैं वो अपने आप ट्राई करना, कोई भी मुश्किल नहीं है बिल्कुल, बस आपको यही ध्यान रखनी है प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, कि बाहर का जो एंगल है वो अंदर के जो अपोजिट एंगल है उनके सम के बराबर होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3। ओके, 6.3 देखेंगे, 6.3 में देखने से पहले हम देखते हैं कि हमने किया था कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती थी कि एक ट्राइंगल के अंदर के तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या थी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या थी कि तीनों एंगल का सम x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री होता था। मीन्स कि अगर हमारे पास किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड कर लें तो उसका सम होता है 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड कर लिया हमने 60 प्लस 110 डिग्री
अब इसको सोल्व आउट कर लेंगे, ये ट्रांसपोज होके इधर चला जाएगा, माइनस के 110 रह जाएगा, 180 माइनस के 110 इसमें से गया तो हमारे पास 70 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट में देखते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस एक्स है तो मतलब 2 टाइम हो गया 2x, यहाँ पे क्या है 50 डिग्री, अब यहाँ पे इक्वल टू में क्या था 180, राइट साइड में 180 था, अब ये 50 ट्रांसपोज होके इस साइड चला जाएगा, माइनस के 50 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे 2x रह जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 180 में से 50 गए तो हमारे पास क्या बच गया 130 डिग्री 2x। ओके, फिर अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 6 12, 2 5 10, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 65, तो ये दोनों 65 डिग्री के हो जाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, तीनों एंगल सेम है, तीनों एंगल सेम किस में होते हैं हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें पता है कि तीनों एंगल सेम होते हैं, और तीनों एंगल सेम होते हैं वो कितने क्या होता है एंगल 60 डिग्री, उसकी मेजर होती है 60 डिग्री। तो अब हम उसको छोड़ के हम प्रॉपर्टी से करके देखते हैं, तीनों हम क्या करते हैं, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कितने x हो गए 3x, तो 3x लिख दिया हमने 180 डिग्री, डिवाइड करवा दिया दोनों साइड 3 से, 3 बन जा 3, 3 6 18 0 की 0, x आ गया हमारे पास 60 डिग्री, तो तीनों आ गए हमारे पास 60 डिग्री। किस में होता है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो ये कौन सी हो गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, जिसके तीनों एंगल इक्वल हैं। अब सिक्स्थ वाला है, सिक्स्थ वाले में क्या है, एक्स टू एक्स, ये क्या होता है, ये सिंबल होता है हमारे पास 90 डिग्री राइट एंगल का। ओके, तो वही प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, की तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो क्या किया, एक्स प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एक्स प्लस 2x क्या हो गया 3x। ठीक है, अब ये 90 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस 90, तो 180 माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से 90 गया, तो 90 यहाँ पे 3x, x डिवाइड किया मैंने 3 से दोनों तरफ, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, 0 के 0, तो x आ गया हमारे पास 30 डिग्री। ओके, ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स, तो बाकी पार्ट्स आप अपने आप कीजिएगा। ओके, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें क्या कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स, इसमें दो अननोन वेरिएबल एंगल्स दे दिए हैं। ठीक है, तो इसको हमें फाइंड आउट करना है, एक एक्स और एक वाई, तो हमें पता है कि देखो ये वाई और 120, ठीक है, ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, तो वाई प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, y क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120, हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा, तो y क्या आ गया हमारे पास 60 डिग्री, किससे हुआ था, लीनियर पेयर से। ओके, y क्या आ चुका हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, x रहता है, तो वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा दिया हमने, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, तो x प्लस 50 डिग्री, y क्या था हमारे पास 60, तो हमने y की वैल्यू रख ली 60, किसके इक्वल है 180 डिग्री, 50 प्लस 60 110, x प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हमने ये 110 इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे, इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110, वो क्या हो जाएगा 70 डिग्री, x आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। ओके, x आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अब चेक करना हो आपको कि हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट है, तो आप क्या कर लोगे, इन तीनों को ऐड करके देख लेना, इंटीरियर एंगल होंगे तीनों को, अगर 180 आ जाता है तो आपका आंसर करेक्ट है। देखो
70, 50 और 60, ठीक है, तीनों को ऐड किया, ठीक है, 6 और 5 11 और 7 180 डिग्री, तो आपका आंसर करेक्ट है। ओके, अब हमें इसमें देखना है सेकंड में क्या है, वाई, इसी टाइप से वाई और 80, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो वर्टिकली अपोजिट, तो वाई क्या हो गया, वाई इक्वल टू 80 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब हमें फाइंड आउट क्या करना रहता है, बस अननोन वेरिएबल एक ही रहता है, जो अननोन एंगल है वो एक्स रहता है अभी, तो हम क्या कर देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा देंगे, मतलब कि तीनों एंगल का सम y प्लस एक्स प्लस 50 डिग्री हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, y हम निकाल चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं, y था 80 डिग्री जो कि वैल्यू हमने पुट कर दी y की, x हमें निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x एज इट इज रखा, 80 और 50 को ऐड किया, 130 डिग्री आ गया, 108 इक्वल टू 180। ठीक है, अब हम ये 130 ट्रांसपोज करेंगे, तो 130 सब्ट्रैक्ट में चला जाएगा, 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 डिग्री x आ गया हमारे पास 50 डिग्री, हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें तो हमारे एंगल ही नहीं पता है कोई भी, तो अब हम क्या करेंगे, देखो y और x वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यहाँ पे y और x इक्वल हो गए क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है, अब ये x है और ये x है, तो यहाँ पे भी x हो गया वर्टिकली अपोजिट, यहाँ पे भी वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, तो हमारे पास इंटीरियर एंगल क्या आ गए, सभी x, तो हम बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लिख लेंगे, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों क्या हो गए 3x, x 3 है तो 3 से डिवाइड करवा दिया बोथ साइड, 3 वन जा 3, 3 6 जा 18, 0, तो x इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो अब ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 तक, आगे जो 6.4 है एंड 5 वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक किसी को भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।